सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा खिलौना लाई हूं जिसमें साइंस भी है, मस्ती भी है और आंखों की चमक भी है। देखें ये कैसे वर्क करता है। हमें क्या चाहिए? देखिए, ये एक स्टिक है सिर्फ, ओके? और ये मैंने लिया एक रबड़, जिसको मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिया। रबड़ कोई भी रबड़ ले सकते हैं, हमारी पुरानी चप्पल का रबड़ ले सकते हैं। और ये दो पीसीज हैं स्ट्रॉ के, इनको मैंने ग्लू से जोड़ दिया है, ठीक है? और जोड़ते समय एक ट्रिक आपको ऐसे रखनी है कि एक तो पूरी की पूरी खुली होनी चाहिए उसका फेस, और एक ऊपर चढ़ी होनी चाहिए दूसरे दूसरी स्ट्रॉ के। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। और अब हम लेंगे एक बाउल जिसमें पानी होगा, ओके? ये, और मैं इसको एक उससे ब्लो कर, एक को एक स्ट्रॉ को एक साइड को इसमें डिप करूंगी और दूसरी साइड से मैं इसको ब्लो करूंगी। देखते हैं क्या होता है। और ब्लो करने से पहले हम इसको थोड़ा सा दांत से इस तरह दबा लेंगे ताकि उसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो जाए और वो उसको देखते हैं क्या होता है। जोर से फूंक पानी है आपको और एक साउंड सुनाई देगी। अब मैं साइड को पलट लेती हूँ। अब मैंने वो साइड जहां से पहले ब्लो किया था वो मैंने उसके दूसरे पानी में डाल दिया। अब देखें क्या होता है। फव्वारा, पानी का फव्वारा। वाओ, एक साइड से किया हवा ब्लो की तो, और दूसरी साइड से पानी का फव्वारा, ठीक है? और अगर मैं इस खिलौने को इस तरह से पानी में थोड़ा सा डिप करके इसको अगर मैं घुमाऊं तो आप देखेंगे स्प्रिंकलर बन गया ये। तो क्या बन गया? स्प्रिंकलर। तो 3-in-1 टॉय हो गया ये, 3-in-1। देखिए, जब हम इसको यहां से ब्लो करते हैं तो सीटी बजती है, क्योंकि आगे उसको हवा के दबाव को रोकने वाला कोई नहीं है, तो हवा सीधी निकल जाती है, तो वो सीटी बजती है। हाँ, हमने यहाँ से दांत से इसलिए दबाया ताकि उसमें थोड़ा वाइब्रेशन क्रिएट हो सके, और वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है? और जब मैंने उसको यहां से फूंक मारी इस एंड को पानी में रख के, तो क्या हुआ कि इसका आधा पोर्शन जो है वो रुकावट पैदा कर रहा है, तो जो हवा की गति है वो तेज हो जाती है और वहां पर एक कम प्रेशर वाला जोन बन जाता है, जिससे कि पानी यहाँ से इस ट्यूब से राइज कर जाता है, और जैसे ही राइज करता है हम ब्लो करते हैं तो वो फव्वारे की तरह निकलता है, ठीक है? और जब एज अ स्प्रिंकलर जब हम पानी में उसको इस तरह से पानी में घुमाते हैं तो एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ऐसा फोर्स है जिससे कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ता चला जाता है, तो क्या है वो पानी जो है वो स्प्रिंकलर की तरह बाहर निकलता है। एक बार फिर से करके दिखाते हैं।